ओके, फिर कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, तो ठीक है, बाई डेंसिटी से हम लोग देखने वाले थे ना, तो यहाँ पे अब फिर क्या हम लोग देखेंगे कि अब बाई डेंसिटी हम लोग लिगेंड लेकर के चल रहे हैं, तो बाई डेंसिटी में सेम वही चीज़ आ जाएगा, या तो सिमेट्रिकल हो जाएगा, नहीं तो फिर क्या रहेगा, अनसिमेट्रिकल रहेगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे कि ये यदि AA2 टाइप का यदि हम ले लें, AA2 टाइप का ले लें, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दोनों सेम ही हो जाएगा, और दोनों सेम हो जाएगा तो फिर यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार का GI सेम इसको नहीं करेगा। यहाँ पे यदि हम देखें AA और BB, फिर दोनों सेम हो जाएगा, ठीक है, ये फिर से GI नहीं शो करेगा। लेकिन यदि हम लोग MAB2 ले लें, डिफरेंट ले लें, तब ये शो करेगा। ये दोनों क्या थे, सेम थे, ये भी सेम थे, सिमिलर वाले नहीं करेंगे, डिफरेंट वाले जो है वो करने लगेंगे। MABCD ये दोनों डिफरेंट है, बहुत अच्छा, ये भी करेगा। अब ये वाला यदि हम बात करें, यानी कि बाइंड इंटेंट में केवल MAB का होल 2 ये करेगा, या फिर MAB और CD वाला जो है ये आपका शो करेगा। ठीक है, अब इसमें कैसे हो सकता है, जैसे ए और बी ये ऐसे है, ठीक है, ए और बी, ठीक है, ए और बी ऐसे ले रहे हैं, और साथ ही साथ ये कौन सा ले रहे हैं, सी और डी, ये वाला एग्जाम्पल को ले रहे हैं, सी और डी। ठीक, तो बी और डी आपस में यहाँ पे क्या नजर आ रहे हैं, ट्रांस पे नजर आ रहे हैं। ठीक है, और यदि हम उसको चेंज कर दें, म्यूट कर लो जी चैतन्य, म्यूट कर लो, ठीक है, इसको यदि हम चेंज कर ले, तो चेंज करने के बाद क्या चला जाएगा, सी आ जाएगा नीचे और डी चला जाएगा ऊपर। तो अब बी के रेस्पेक्ट में कौन सा ट्रांस पे आ गया, बी के रेस्पेक्ट पे अब आ गया डी ट्रांस पर। ठीक है, बी के रेस्पेक्ट में डी ट्रांस पर आ जाएगा, तो ये जो दो आइसोमर जो है यहाँ भी तो करते हुए नजर आएंगे। ठीक, अब यहाँ पे यदि, ठीक है, यहाँ पे यदि पहला वाला एग्जाम्पल जो हम लोग लिए थे AB AB वाला, ठीक है, AB AB वाला वो ले ले, ठीक है, क्या था, M, ठीक है, AB, ठीक है, AB और एक और AB, तो AB का क्या कर देते हैं, होल्ड ट्वाइस, ये वाला एग्जाम्पल अपना था, वो भी बोले थे कर रहा, क्योंकि दोनों अनसिमेट्रिकल वाला है, दोनों डिफरेंट है, तो AB ले लिए, AB ले लिए, तो B के रेस्पेक्ट में A यहाँ पे क्या रहा, ट्रांस। हम लोग ट्रांस वाला देखेंगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है, और यहाँ बी के रिस्पेक्ट में अभी कौन ट्रांस पे आ रहा है, बी, तो यहाँ भी दो आपको डिफरेंट मिल रहा है, तो यहाँ भी GI मिल रहा है दो, यहाँ भी आपको। तो अब हम बात करें टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले में टोटल कौन कौन जो है वो GI शो कर रहा है, तो GI, ठीक है, तो GI कौन कौन शो कर रहा है, वो कौन कौन सा है, MA2B2, MA2BC, MABCD, MAAB का होल 2, MABCD और MAB, ठीक है, ए बी, ये जो है 3 और 3 6 जो है टाइप के रिप्रेजेंटेशन GI जो है वो शो करते हैं। ध्यान में रखेंगे 6 रिप्रेजेंटेशन ही कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का जो है वो GI शो करता है, बाकी कोई नहीं करता है। ठीक है, तो ये चीज क्लियर रखना है। ठीक, अब हम लोग किधर की तरफ पढ़ रहे हैं, आप क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है, कि टोटल आइसोमर पॉसिबल ऑफ PDNH3 का होल 2 CN2। ठीक है, तो अब टोटल आइसोमर जरा समझना है, तो यहाँ पे इसका वैलेंसी मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ जाएगा, 2, क्योंकि ये 0, ये हो जाएगा -2। ठीक है, तो इस पे कितना आ जाएगा आपका, +2 आ जाएगा। अब टोटल आइसोमर आपको कितना देखने में लगेगा, अच्छा ये तो इतना ही है, ठीक है, टोटल कितना, ये किस टाइप का नजर आ रहा है, A2, और ये कैसा नजर आ रहा है, B2, A2B2, A2B2 में लगेगा, अच्छा ये तो ये वाला है, और इसका आइसोमर कितने हो जाएंगे, 2, लेकिन इसके आइसोमर कितने होते हैं, 6 होते हैं, हाँ 6। अब बोलिएगा कैसे 6, तो यहाँ ध्यान में रखना ये CN है, और CN क्या है, एम्बिडेंटेट, बताए थे ना, एम्बिडेंटेट आ गया। अब एम्बिडेंटेट आ गया तो ये क्या करेगा, जस्ट अपना चेंज कर सकेगा, ठीक है, लिंकेज को क्या कर सकेगा, चेंज कर सकेगा। अब जैसे ही एम्बिडेंटेट आ गया, ठीक है, जैसे ही एम्बिडेंटेट आया,
इसका मतलब अब क्या हो जाएगा, अब भाई हो जाएगा यहाँ से, एक तो हम सीएन का होल टू लिख सकते हैं, एक एनसी का भी होल टू लिख सकते हैं, और एक सीएन और एक एनसी लिख सकते हैं। तो यहाँ से कितने हो जाएंगे, दो, यहाँ से हो जाएंगे दो, और यहाँ से हो जाएंगे दो, ठीक है, मतलब दो सिस्ट्रांस, यहाँ सिस्ट्रांस, यहाँ सिस्ट्रांस, तो टोटल कितने हो गए, सिक्स आइसोमर। तो ये ध्यान में रखना है, केवल ये आपका जीआई ठीक है रिप्रेजेंटेशन बना रहा है, लेकिन टोटल आइसोमर पूछ रहा है, तो फिर आपको थोड़ा ध्यान में रखना है कि टोटल आइसोमर का जवाब किस तरीके से दिया जाए। अब इसमें ही जैसे आपसे पूछ ले क्वेश्चन, क्या बोल रहा हम, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स शो जीआई, कौन जीआई शो करेगा, तो ये देखो ये किस टाइप का है, ये ए ए ठीक है, ए बी है, ठीक है, ए इस टाइप का है, तो ये जो है जीआई शो करेगा क्या, नहीं करेगा, नहीं करेगा ना, बस रिप्रेजेंटेशन आपको ध्यान में रखना है, ये कैसा है, ए ए ठीक है, एम ए ए ए बी, ये नहीं करेगा, क्योंकि ये क्या आएगा, सिमिलर बोले थे ना, ये कौन सा हो जाएगा, ये आ जाएगा एम ए ए ठीक है, और ग्लाइसिनेट, तो ये आ जाएगा आपका बी बी, ठीक है, ये तो बस ये सिमिलर आ गया, तो नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा, ठीक है, और इसके बाद जी एल वाई, ये भी नहीं करेगा, ठीक है, लेकिन यहाँ करेगा, ये आ गया डिफरेंट, ये आ गया डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट, हाँ ये तो डिफरेंट है, लेकिन ये सेम है, इसके कारण से नहीं कर रहा, ठीक है, इसके कारण से, और यहाँ इसके कारण से नहीं कर रहा, यहाँ डिफरेंट है, और ये दोनों भी डिफरेंट है, यानी कि ये जी आई जो है वो शो करेगा। इसका यदि देखें तो ये किस में आ गया, ए टू बी टू, ए टू और बी टू क्या करता है, ये शो दिखने में तो लग रहा है करेगा, लेकिन ये नहीं करेगा, क्यों नहीं करता है, क्योंकि तो यहाँ पे जेड एन प्लस टू में है, और जेड एन प्लस टू क्या होता है, 3D10, और 3D10 जो रहता है वो क्या बनाता है, टेट्राहेड्रल, ना कि स्क्वायर प्लेनर, तो टेट्राहेड्रल बन गया, इसका मतलब ये जी आई शो करेगा ही नहीं। ये देखेंगे ये वाला पी पी एच का होल थ्राइस, ठीक है, सी एल ये भी नहीं करेगा, क्योंकि ये सब सेम आ गए, एक ही केवल डिफरेंट है, ये भी सब सेम आ गए, नहीं करेगा, ठीक है, के बाद ये वाला यदि हम लोग जाएंगे तो ये देखेंगे ये दोनों डिफरेंट, ये दोनों सेम, और ये दोनों क्या आ जा रहे हैं, डिफरेंट आ जा रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग सेम मतलब शो करवाते हैं, ठीक है, एक तो सिस NH3 सेम साइड में रहेगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे NH3 और NH3 रहेगा तो क्या होगा, सिस, और यदि NH3 कहाँ चला जाए, अपोजिट में, तो ये क्या हो जाएगा, ट्रांस, तो यहाँ पे कर रहा है, रिप्रेजेंटेशन भी केवल आप यदि ध्यान में रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा मदद मिलता है। अब हम लोग आ रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स में, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स में, अब कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स में जो है हम लोग, हाँ और एक बात, अब ऑप्टिकल भी यदि आते जाएगा ना, ऑप्टिकल आइसोमर, तो वो भी हम बताते जाएंगे, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर भी आते जाएगा तो वो भी हम डिस्कस करते जाएंगे कि ऑप्टिकल कहाँ है नहीं है, सब कुछ ये हम डिस्कस करते जाएंगे, ठीक है। तो अब जो है यहाँ पे क्या नजर आएगा आपका, यहाँ पे जी आई इन कोऑर्डिनेशन नंबर किस में, सिक्स में, कोऑर्डिनेशन नंबर सिक्स का हम बात कर रहे हैं, तो ध्यान में रखना है, बस हम शुरू से ही क्या बोल रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन कोऑर्डिनेशन नंबर कितने, फोर में टोटल छः आए, जो छः जी आई मतलब छः जो थे रिप्रेजेंटेशन वो जी आई शो कर रहे थे, एक में ही तीन था, बाकी सब में ऑलमोस्ट क्या था, दो ही था, ठीक है, तो ये आपको रिप्रेजेंटेशन के साथ याद रखना पड़ेगा, और यहाँ भी सेम वही आपको करना पड़ेगा, रिप्रेजेंटेशन के साथ आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो यदि हम इसकी बात करें, इसमें क्या हो सकता है, फिर वही चीज, मोनोडेंटेट लिगेंड का रिप्रेजेंटेशन स्मॉल ए बी सी डी ई एफ से होगा, और बाइडेंटेट लिगेंड का जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो सिमेट्रिकल के लिए ए ए बी बी ऐसा होगा, और अनसिमेट्रिकल के लिए क्या हो जाएगा आपका, ए अनसिमेट्रिकल के लिए ए बी, ठीक है, सी डी ऐसा करके होगा। अब सिंपल से सेम वही चीज, यदि 90 डिग्री पे प्रेजेंट है, यानी ये देखो ये कितना का एंगल बन रहा है, 90 का बन रहा है ना, ठीक है, ये कितना का एंगल बनेगा, ये ऊपर है, जस्ट ऊपर रहता है, ठीक है, ऊपर और नीचे, ठीक है, प्लेन पे नहीं रहता है, तो इसके बीच में भी कितना बनेगा, 90 का, ठीक है, इसके बीच का भी कितना बनेगा, 90 का, इसके बीच का भी कितना बनेगा, 90 का, इसके बीच का भी 90 का, तो ये आपको ध्यान से समझना है कि कितना कितना का एंगल बन रहा है, ये दोनों के बीच का कितना बनेगा, 180, ठीक है, और बाकी सब एक दूसरे का 90 ही बनेगा, तो सिस पोजिशन क्या रहेगा, 90 वाला, और 180 पोजिशन क्या रहेगा आपका, ट्रांस वाला। अब वन और फोर पोजिशन क्या है, ट्रांस पे है, वन और टू और थ्री पोजिशन क्या है, ट्रांस पे है, लेकिन फोर टू सिस, ठीक
है, 4 6 6 3 6 6 जो 90 डिग्री बॉसिस, तो पॉसिबिलिटी कितनी आएगी, पोजिशन क्या हम लोग जो निकाल रहे हैं वो 15 आएगा, 15 आएगा टोटल पोजिशन, पॉसिबल पोजिशन, ठीक है ये ध्यान में रखना, पॉसिबल पोजिशन कितने आएंगे, 15 टाइप्स के बनेंगे। कौन कौन सा हो सकता है, अब देखो टोटल क्या क्या आएंगे, 1 के साथ 2, 2 1 के साथ 3, 1 के साथ 4, 1 के साथ 5, 1 के साथ 6, टोटल कितना हो गया 5। अब चूंकि 1 के साथ 2 तो हो गया, हम लोग 1 नहीं लिखेंगे, काट देंगे, तो फिर 2 3 2 4 2, इस तरीके 4, फिर 3 2 1, टोटल कितने आएंगे, 15 पोजीशंस आएंगे देखने को, जिसमें से 6 कितना होगा, 12, 12 पोजीशन 6 रहेगा और 3 पोजीशन केवल ट्रांस, 5 6 यानी ऊपर नीचे वाला, ठीक है, 2 3 क्रॉस और 4 5 नीचे ये प्लेन पे क्रॉस, तो ये आपस में क्या रहेंगे, सब ट्रांस रहेंगे, ठीक है, और बाकी सारे पोजीशन जो रहेंगे वो रहेंगे आपस में सिस। अब केस वन यहाँ पे आ रहे हैं हम मोनोडेंटेट लिगेंड के तौर पे, तो मोनोडेंटेट लिगेंड में हम लोग वही छोटा वाला रिप्रेजेंटेशन करेंगे। अब सारा देखो सेम है, तो कोई जी आई नहीं शो करेगा, ठीक है, 5 सेम है, इसमें भी कोई जी आई शो नहीं करता है, तो ध्यान में रखेंगे। हाँ लेकिन 4 सेम है और ये दो मतलब A4 और B2 ये जी आई शो करते हैं, केवल दो जी आई शो करेंगे, ठीक है, और साथ ही साथ ऑप्टिकल आइसोमर भी इसमें आता है, तो वो भी हम लोग डिस्कस करते हुए चलते चलेंगे, ठीक है। अब इसमें जरा सा देखना है, इसमें जरा सा देखना है, अब एग्जांपल के तौर पे हम क्या ले लिए, PTNS3 का होल 4 Cl2 ये ले लिए, ठीक है, PTNS3 का होल 4 Cl2 प्लस 2 चार्ज है, यहाँ पे हम क्या बोले आंसर कितना है, 2 GI तो करता है, ठीक है। अब देखो जरा सा, और ऑप्टिकल इनएक्टिव है, ऑप्टिकल इनएक्टिव ये भी ध्यान में रखना है, ऑप्टिकल क्या है, इनएक्टिव। अब क्या हो सकता है, एक रिप्रेजेंटेशन हम क्या लिखेंगे कि बी और बी को, जो दोनों बी है वो दोनों को ऊपर नीचे डाल दिए और सबका सब ए जो है वो एक्स वाई प्लेन पे है, ठीक है, समझ में आ रहा है, क्लियर है। अब एक या तो एक हो सकता है कि बी की जगह यहाँ पे क्या डाल दो, ए डाल दो, और ए को यहाँ पे जो है बी डाल दो, ठीक है, दोनों बी डाल दो, तो अब ये देखो ये कितने डिग्री पे चले गए, 180, तो ये क्या हो गया ट्रांसफॉर्म, ये कितने डिग्री पे है, 90, तो ये कौन सा हो जाएगा बेटा, सिस फॉर्म, समझ में आया। तो ट्रांसफॉर्म कौन कौन सा बना सकते हैं, एक ट्रांस किसके किसके लिए है, ए और ए देखो आपस में ट्रांस है क्या, ये ए और ए आपस में ट्रांस है, ये ए और ए आपस में ट्रांस है, और ये ए और ए आपस में ट्रांस है, सॉरी ये बी और बी आपस में ट्रांस है, इसका ट्रांस कौन कौन सा है, तो इसका ट्रांस ए और ए, यहाँ से ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट ट्रांस, उसके बाद कौन सा होगा, ए और बी वाला ट्रांस और उसका बी और ए वाला ट्रांस, ये सारा क्या है, ट्रांस पार्ट है, हम ट्रांस पार्ट को लिख रहे हैं, ध्यान में रखना सिस को नहीं लिख रहे, ठीक है, क्लियर है। तो ध्यान में रखना यदि हम लोग इसको एक्स वाई प्लेन से कट करते हैं, ठीक है, एक्स और वाई यानी ऐसे कट करते हैं, ऐसे कट करते जाते हैं, ये ए कटता जाएगा, ये पूरा कटता जाएगा, ये पूरा कटता जाएगा, ये पूरा कटता जाएगा, ऊपर में क्या मिलेगा बी और नीचे में क्या मिलेगा बी, और बी और बी दोनों एक दूसरे के क्या मिलेंगे, मिरर इमेज, ठीक है, मिरर इमेज, मिरर इमेज यानी जस्ट आधा आधा हो गया, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, POS मिल रहा है, और POS मिल रहा है तो ऑप्टिकल क्या हो जाएगा, इनएक्टिव, इज दैट क्लियर। अच्छा इसको कैसे काटेंगे, इसको डायगोनली काटेंगे ऊपर से, ठीक है, क्या करेंगे ऊपर से काटेंगे, ऐसे डायगोनली ऊपर से कटाओ, ऊपर से चालू करो मारना ऐसे करके, तो ये वाला जो है ये बी भी कट जाएगा, बी कट जाएगा, बी कट जाएगा, बी कट जाएगा, उसके बाद ये पूरा ये पार्ट कट जाएगा, ये कट जाएगा और फिर धीरे धीरे कट के अलग हो जाएगा, तो आप देखेंगे कौन किसका मिरर इमेज बन। अच्छा आगे चलेंगे तो ये ए वाला भी पार्ट कट जाएगा, ये ए वाला चूंकि कटारी सेम प्लेन पे चल रहा है ना, ये वाला डायगोनली पे चल रहा है, तो यहाँ पे जो आपको मिरर इमेज कौन नजर आएगा, तो इस ए का नजर आएगा कौन, ये आधा आधा आपस भाग में ये बट गया पूरा का पूरा, तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा, यहाँ भी POS मिल जाएगा, तो जिसके कारण ये भी क्या हो जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो यहाँ दो आइसोमर मिले लेकिन दोनों क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव मिल गए हैं, ठीक है। अब यदि हम बात करें ये MA4BC का, तो इसका एग्जांपल ये है, GI होंगे दो और दोनों होंगे ऑप्टिकली इनएक्टिव। MA3B3 इसके एग्जांपल होंगे ये, GI होंगे दो और दोनों ऑप्टिकली इनएक्टिव। आपको एकदम बैठा के चलना है दिमाग में कैसे चल रहा है, MA4B2 में 2 GI दोनों इनएक्टिव, MA4BC इसमें चेंज किए 2 GI इनएक्टिव, MA3 एक इधर किए, MA3B3 ठीक है, MA3B3 अब इसमें 2 GI, अब ये थोड़ा इम्पोर्टेंट भी है,
MA3B3 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, MA3B3, और इसमें कितने GI, दो GI दोनों इनएक्टिव हैं, ऑप्टिकल इनएक्टिव हैं, देखे जरा। अब इसमें जो दो मिल रहे हैं उसका बड़ा ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि उनका नाम है फैक्ट, और उनको कहा जाता है फैक्ट और मर, फेसियल और मेरिडोनल, ये इसका नाम है। तो रिप्रेजेंटेशन क्या है, एम MA3, ठीक है, B3, यही है ना रिप्रेजेंटेशन, MA3, ठीक है, और B3, ये इसका रिप्रेजेंटेशन है। तो इसका ऐसे बेसिकली ये रहता है M बीच में, ये ए ए और ये आ जाएगा ए, ये कहाँ जाएगा बी बी और ये बी। तो इसका देखेंगे ना ऊपर से आपको एक शेड ऐसा बनता हुआ नजर आएगा इसका, ठीक है, एक फेस बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है, और नीचे भी, ये नीचे नीचे की तौर पे जाएंगे ये वाला नीचे, तो ये नीचे भी आपको उसी तरह एक शेड बनता हुआ नजर आएगा, इसलिए इसका नाम जो है फेसियल आइसोमर रखा गया, ठीक है। और ये जो है ये डायगोनल को कट करता हुआ, ये मतलब ये वाला, ठीक है, ये तो ऊपर का पार्ट हो गया ये, ठीक है, और यही वाला पार्ट इतना नीचे वाला, ठीक है, ले लेंगे पूरा का पूरा पार्ट को यदि हम लेंगे तो ये किस तरीके से आपको बनता हुआ नजर आएगा, पूरा ऊपर से नीचे, ये नजर आ रहा पूरा ऊपर से नीचे, ठीक है। तो ये एक जो है इसको क्या कहा गया, मेरिडोनल मर, ठीक है, फैक्मर आइसोमर, इसलिए इसका नाम रखा गया। और ध्यान में रखना है ये क्या है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, ऑप्टिकल क्या है, इनएक्टिव। कैसे ऑप्टिकली इनएक्टिव है, कट करो भाई POS मिल जाएगा। अभी हम इसको सबको हटा देते हैं, ठीक है, कैसे कट करेंगे कि अपने को मिल जाए POS मिल जाए, वही फिर क्या करो भाई, ऐसे करो इधर से मारो डायगोनल, नहीं डायगोनलिस तो नहीं होगा, ऊपर से यदि हम नीचे मारते हैं, हाँ तो होगा, ये मारो ना सीधा, ये इस प्लेन पे मारो, इस प्लेन पे, तो ऊपर से मारोगे ये बी कटता हुआ नजर आएगा, बी कटता हुआ नजर आएगा, ये पूरा पूरा पूरा, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट गया, ये कटता हुआ नजर आएगा, ये पूरा कट जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा इस प्लेन पे मारो, तो इसका मिरर इमेज कौन मिलेगा, ये आधा कट के उधर चला गया, आधा कट के ये आ गया, आधा कट के ये आ गया, आधा कट के ये आ गया, तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा, POS मिल जाएगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। यहाँ किधर से मारोगे, यहाँ डायगोनली मारो, डायगोनली ऐसे कटारी चलाओ, ये पॉइंट पे कटारी मारो, तो ऊपर से कटारी चलेगा, ये कटता चला जाएगा, ये कटता चला जाएगा, ये कटता चला जाएगा, ये कटता चला जाएगा, पूरा 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 कटता गया, कटता गया, कटता गया, कटता गया, ये अलग हो गया, ये अलग हो गया, तो यहाँ भी क्या मिल जाएगा, POS मिल जाएगा, यहाँ भी कितना हो जाएगा आपका, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग देख लिए। 28 का केस क्या है, MA3B2C, क्या है, MA3B2C, तो इसका एग्जाम्पल ये, और इसमें तीन GI मिलते हैं और तीनों का तीनों क्या रहेगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। अभी तक ऑप्टिकली एक्टिव एक भी नहीं मिला है, सबका सब ऑप्टिकली क्या मिल रहे हैं, इनएक्टिव मिल रहे हैं, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है, और फिर आगे जो है ना वो कल कंटिन्यू करेंगे, आज के लिए बस इतना ही छोड़ते हैं, ठीक है। ओके सर, हाँ ओके सर। ओके ठीक।